संबल में चौधरी चरण सिंह की जयंती सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई गई। संबल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के कस्बा बबराला में पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव तथा सभी सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चौधरी चरण सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि भारत में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान, उसी को लेकर चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताया गया कि चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 33वीं पुण्यतिथि बताया। वहीं चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहा जाते थे। गांव, गरीब और किसान का शोषण के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री एक किसान सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह गांव जैसी छवि थी, किसानों के हित में उनकी कोशिश और सराहना थी, ऐसा सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया। ये क्या प्रोग्राम है सर? चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका आज जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का संगोष्ठी के रूप में आयोजित। चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी किसानों के हित में कार्य किए, उनके ऊपर विचार रखे गए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसमें लंदन मियां भी थे, हमारे राजपाल सिंह भी थे, नेतबार एडवोकेट थे, मुजफ्फरी कट्टे भी थे, तमाम लोग साथी करते, पूरे हमारे किसान लोग आए थे क्षेत्र से, आसपास जितने भी गांव थे, गुमला विधानसभा के सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, सभी ने अपने अपने चौधरी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने अपने विचार रखे। कि चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन काल में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय किसानों के लिए मालगुजारी खत्म करने का काम किया, जमींदारी खत्म करने का काम किया, ले पटवारी हटा करके उसमें लेखपाल बनाने का काम किया, किसानों को जमीन का हक दिलाने का काम किसान ने किया। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केंद्र सरकार में किसानों के हित में बिल लेकर आए थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा चौधरी साहब ने कराई। तमाम किसान जीवन भर चौधरी साहब किसानों के लिए लड़ता लड़ते लड़ते आंदोलन लगातार 25वां 26वां दिन चल रहा है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने किसानों के बारे में कोई सुध किसानों की नहीं ली। किसानों की मांगे तीनों बिल समाप्त किए जाए, ये मांग किसानों की है। और हम समाजवादी पार्टी भी, हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव भी यही किसानों के समर्थन बराबर घोषणाएं कर रहे हैं कि समर्थन किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। समाजवादी पार्टी अभी आंदोलन कर रही है और हो सकता है कि भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी और बड़े आंदोलन की घोषणा भी करें। और हमारी तो एक ही अपील है किसानों से कि गांव में चौपालों पर अभियान लगाएं और पूरा इस चीज़ का प्रचार करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये देश की मिट्टी की लड़ाई है और इसको दमदारी के साथ लड़ना है। और